हेलो दोस्तों, सो गाइस मैं आज आ चुका हूँ पालम रेलवे स्टेशन पे, जो कि वेस्ट दिल्ली में पड़ता है और ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बीच में बना हुआ है। और ये बहुत ही छोटा स्टेशन है दिल्ली का, पालम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है, जो कि बेसिकली मेन प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे यूज़ किया जाता है, और जो बाकी जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली मालगाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और इस टाइम टाइम हो चुका है 7:42 पर, और दिल्ली में इस टाइम ऐसा मौसम हो चुका है कि इस टाइम तक ये अंधेरा हो जाता है, नहीं तो दिल्ली में गर्मी के टाइम पे 7:45 तक शाम ही रहती है, और इस टाइम अंधेरा हो चुका है, यानी कि रात हो चुकी है। और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ, और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ट्रेन आ रही है, या शायद अराइवल होगी कि नहीं होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ब्लॉग नंबर 8 है पालम रेलवे स्टेशन में, पालम रेलवे स्टेशन के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर बेसिकली राजस्थान और हरियाणा और साथ ही साथ गुजरात की ट्रेन यहाँ से आती है, और यहाँ से डिपार्चर और अराइवल होती है, जो कि यहाँ पे मेन स्टॉपेज नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ कुछ ट्रेन है जो यहाँ पर रुककर चलती है और मात्र 20 सेकंड के होल्ड पर रुकती है, और 20 सेकंड के बाद यहाँ से डिपार्चर हो जाती है और अराइवल हो जाती है यहाँ से। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन ट्रेन्स भी ऐसी नहीं है कि छोटा स्टेशन है तो मेन ट्रेन्स नहीं रुकती, इसमें मेन ट्रेन्स भी बहुत रुकती है। पहली जो ट्रेन आती है आपकी, जो मैं जिस ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ जब भी मैं राजस्थान की तरफ जाता हूँ, तो वो चेतक एक्सप्रेस है, जो कि यहाँ से यहाँ पर आती है, बट यहाँ पर रुकती नहीं है वो, उसका कोई होल्ड रोल्ड नहीं है यहाँ पर। और पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका यहाँ पर कोई होल्ड नहीं है। बाकी जो मेन मोस्टली जो होता है कि पैसेंजर्स ट्रेन जो होती है वो यहाँ पर रुकती है, और वो भी 20 सेकंड के लिए ही यहाँ पर रुकती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं आप ड्यूल कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं एक साइड में आपका बैक साइड का व्यू भी दिख रहा है और फ्रंट का व्यू भी दिख रहा है आपको। और अभी मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ, जो कि ट्रेन आ रही है यहाँ पर। और ये पालम रेलवे स्टेशन का आपको दिख रहा होगा, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई जो है 217.787 मीटर है। जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ योर इंडियन रेल क्रिएशन यूट्यूबर। सो गाइज, अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, जो कि पालम रेलवे स्टेशन पर है, और अभी हम पालम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। और इस टाइम टाइम हुआ है 7:21, जो कि यहाँ पे दिल्ली में अब मौसम ऐसा हो गया कि ठंडी वाला मौसम आ गया, तो इस टाइम रात हो जाती है। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ट्रेन आ रही है, और अभी जब वो ट्रेन यहाँ पर अराइवल होगी तो मैं उसको आपको नाम बताऊँगा कि उस ट्रेन का क्या नाम है। और अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अराइवल होने आ रही है, और ये मात्र 20 सेकंड यहाँ पर रुकेगी और फिर ये अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लग जाएगी। और इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, वैप लगा या डीजल का WDP लगा हुआ है या डीजल लोकोमोटिव WDM लगा हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अभी ये फ़िलहाल प्लेटफॉर्म 1 की तरफ अराइवल हो रही है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अराइवल हो रही है, और इसमें WDP 4D डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है, और ये WDP 4D इंजन लगा 7:30 का, और यहाँ पे कोई इसका होल्ट नहीं था, और ये यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अराइवल हो रही है, अराइवल नहीं हुई यहाँ पर ही, और ये निकल रही है, और ये पोरबंदर से मुजफ्फरपुर की तरफ से बनकर आई है, और ये दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जा रही है। और इस ट्रेन का नाम मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट पूरा नाम बताऊंगा कि इस ट्रेन का पूरा नाम क्या है। और ये दिल्ली के सराय रोहिला में जा रही है शायद ये, मुजफ्फरपुर पोरबंदर से बनकर ये आई है, पोरबंदर से बनकर ये मुजफ्फरपुर के रास्ते से ये आई, और ये दिल्ली के सराय रोहिला के रेलवे स्टेशन पर जाएगी, जो कि इसका एंड डेस्टिनेशन पॉइंट है। और इस ट्रेन का मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि क्या नाम है इस ट्रेन का।
और ये पोरबंदर एक्सप्रेस थी जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं रुकी और इसका कोई होल्ड नहीं था और ये अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ चुकी है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर indianrailcreation.irc। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।